ठोडो मैदान में आयोजित 3 दिवसीय सुलनी मेले का बेहतरीन समापन हुआ। समापन समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रही। सोलन के ठोडो मैदान में आयोजित 3 दिवसीय शूलनी मेले का बेहतरीन समापन हो गया। समापन समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में प्लेबैक सिंगर पूर्ण शिवा ने बेहतरीन गाने प्रस्तुत किए। वहीं पंजाबी सूफी गायक सतेंद्र सरताज ने एक के बाद एक सूफी गाने प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया और सभी दर्शक नाचने पर मजबूर भी हो गए। अंतिम सांस्कृतिक संध्या का हजारों दर्शकों ने रात 12 बजे तक खूब आनंद उठाया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि इस बार शूलनी मेले का बिना किसी विवाद के समापन हुआ है और किसी भी तरह की अव्यवस्था मेले में देखने को नहीं मिली। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसा गायक देखा है जो खुद मंच पर बैठा रहा लेकिन सभी दर्शक नाचते रहे। उन्होंने कहा कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में मेले में काफी विस्तार हुआ है लेकिन कोई भी विघ्न इस मेले में नहीं पड़ा, जिसके लिए आयोजक बधाई के पात्र हैं। शूलिनी मेला का आज बहुत बेहतरीन शाम के साथ उसका समापन हो गया और 3 दिन तक ये मेला जो है वो ठीक प्रकार से चला, कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था जो है नहीं हुई है। और इस बार ये सबने अनुभव किया होगा कि इस बार ये मेले का विस्तार जो है वो बहुत हो गया है। पिछली बार जितने लोगों ने इस मेले में सहभागिता की उससे ज़्यादा लोग जो हैं इस बार इस मेले में आए और इस मेले से जुड़ी हुई हर एक चीज़ जो थी वो बेहतरीन थी और मेला ठीक प्रकार से संपन्न हुआ है माँ शूलिनी के आशीर्वाद से, तो एक ये बहुत बड़ी बात है। और आज जो कलाकार यहाँ आए थे सतिंदर सरताज, उन्होंने निश्चित तौर से जितने लोग यहाँ बैठे थे सबको मुग्ध कर दिया उन्होंने अपनी कला से। और बैठ करके भी कोई कलाकार पीछे बैठे हुए जो दर्शक हैं उनको नचा सकता है, ये मैंने पहली बार देखा। बहुत बढ़िया रहा, हर चीज़ बहुत अच्छी रही और इसके लिए जिन्होंने इस मेले को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दिया है वो सब बधाई के पात्र हैं।